नमस्ते लाइवली सोल्स के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपको दमन का वीडियो अच्छा लगा हो, तीनों पार्ट। उसके बाद जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, हमने स्टार्ट किया कल मार्केट विजिट के वीडियोस। वी स्टार्टेड विद द मुंबई का राजा जो बोलते हैं मार्केटों में, भुलेश्वर मार्केट। अच्छा खासा 2-2.5 घंटे लगा हमको पूरा वो मार्केट घूमने के लिए, एंड जो हाइलाइट्स थे वो कैप्चर किए थे हमने। देखिए आप अगला वीडियो भुलेश्वर मार्केट का। भुलेश्वर मार्केट पहुंचने के लिए हम उतरे थे सीपी टैंक पे। सीपी टैंक करके एक जगह है, वहां उतरकर भुलेश्वर मार्केट के तरफ चल के आना होता है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो चौनी रोड स्टेशन इज़ द नियरेस्ट हेड, ट्रेन हेड, एंड उसके बाद शेयर अ कैब वगैरह मिलता है सीपी टैंक के लिए, एंड देन सीपी टैंक से चल के आते हैं भुलेश्वर की तरफ। ये बिल्कुल वो जंक्शन है जो सीपी टैंक और भुलेश्वर मार्केट का है। यहाँ से लेफ्ट की ओर जाके भुलेश्वर मार्केट स्टार्ट होता है। एक एक चीज़ें जो वहाँ पे दिख रही थी हम रिकॉर्ड कर रहे थे। एक था ये फरसान मार्केट, काफ़ी सारी फरसान मार्ट थे, एंड यहाँ पे दिवाली स्पेशल के हिसाब से चिवड़ा, चकली और शंकरपाली बना रहे हैं। इनके पास ऐसे वैरायटी ऑफ चिवड़ा दिखा था एंड वैरायटी ऑफ चकली, ये सब दिवाली स्पेशल के फरसान हैं। ये है इनका श्री श्यामाकांत फरसान मार्ट करके हैं। उन्होंने अपना एक प्राइस लिस्ट भी दिया हमको डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाजू में ये अगला और एक है, तो उन्होंने एडिशनल स्टॉल्स बाहर लगवा रखी है। चिवड़ा एंड करंजी भी हैं इनके पास दिवाली के जो रिक्वायर्ड स्वीट्स हैं उसका। होलसेल का मार्केट है ये। उसके बाजू में एक बेडशीट बेचने वाला एक दिखा, 500 रुपीज़ में डबल बेडशीट विथ 2 पिलोज ऐसा बेच रहा था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वेंडर था, जैसे वो होते हैं ना चनिया चोली के, जो चनिया होते हैं वैसे फ्री साइज में। इसके पास काफ़ी भीड़ थी, वो फिर भी मुझे बता रहा था, फिर वो अल्टीमेटली बोला कि जो मैनिक्विन पे लगा हुआ वैसे वाला है उसके पास। वेरी लाइट वेट एंड नाइस, अच्छा कलेक्शन था उसके पास। एंड द हाईलाइट ऑफ द मार्केट, तोरण, इतने सारे तोरण, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरियस कलर्स, वेरियस काइंड्स, मतलब सिर्फ तोरण देख के ही इंसान पागल हो जाए, इतने सारे तोरण थे। एंड दिस इज़, ये सिर्फ मार्केट के स्टार्टिंग की एक शॉप है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं और वैरायटी मिल रहे थे, एंड कॉस्ट भी वैसा है। अभी मैंने यहाँ पे पूछा तो एक सिंगल लड़ी जो गुलाब एंड वाइट फूल का है, ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये 500 रुपीज़ की एक लड़ी बताया उसने। पर जैसे मार्केट के अंदर गए 300 रुपीज़ हो गया भाई उसी लड़ी का प्राइस। तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एज यू गो इनसाइड यू विल गेट इट चीपर। काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जो ऐसे तोरण बेच रहे थे। ये वाली बोल रही थी मैं, 500 रुपीज फॉर अ पेयर दिया। दिस इज ऑल्सो, द मार्केट वॉज फुल ऑफ दीज दियाज, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड दियाज, कलरफुल वाले, 70 रुपीज फॉर 2, 160 ऐसे सब रेंज में था। काफ़ी सारी सारी शॉप्स भी थे। हम एक्चुअली सारी शॉप्स वगैरह के लिए पूछने गए नहीं थे क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो वी जस्ट कैप्चर्ड कि ये मार्केट में ये सब मिलता है करके। स्टील सेंटर है, ईयरिंग्स, ऐसे वाले ईयरिंग्स तो बहुत बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप्स भी हैं, एंड ये रोड साइड पे भी है। ये भी वेरियस रेट्स, हम ऐसे ही पूछ रहे थे तो
कुछ भी बता रहे थे वो रेट्स, बट आई एम श्योर कि अगर एक्चुअली परचेज करने जाए तो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा उसमें। ये मसाला वाला काफ़ी भीड़ थी उनके पास, मैंने जहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू शूट इट व्हेन द क्राउड वाज लेस, पर वहाँ पे भी काफ़ी इट लुक्स लाइक अ रिनाउंड मसाला वाला है यहाँ पे। और तोरणों की दुकान, बैंगल्स, ये कलरफुल बैंगल्स एंड ज्वेलरी जो शादी वगैरह में आजकल मेहंदी वगैरह में यूज़ होता है, वैसी वाली ज्वेलरी, जैसे कलर्स चाहिए, जैसे डिज़ाइन चाहिए, जो चाहिए मिल जाता है यहाँ पे। शॉपिंग पैराडाइज डिफाइन कर सकते हैं इस जगह को। हमारा ऐसे कोई टारगेट नहीं था कुछ खरीदने का, तो हम सिर्फ वीडियो शूटिंग कर रहे थे। ये देखिए बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत सारी ऐसी दुकानें दिखेगी आपको थ्रू आउट। यकीन मानेंगे ये क्या है पता है आपको? ये है जो ब्लाउजेस वगैरह में लटकन लगाते हैं उसके है, ये एक्सक्लूसिवली ओनली दैट। एक पूरा लेन है सिर्फ ये लटकन के लिए। बहुत कलरफुल एंड बहुत ब्यूटीफुल था ये, बहुत मुश्किल से शूटिंग किया था, कंटिन्यूसली लोग आ जा रहे थे, बहुत मुश्किल से शूट किया है। ये देखिए ये और आ गए तोरण एंड ऑल दीज फेस्टिवल हैंगिंग्स। यहाँ पे मुझे 350-350 के रेंज में कोट कर रहे थे। ये एक हेयर बैंड दुकान था, हेयर बैंड विथ माथा झुमका, बहुत स्वीट था वो। लेसेस, काफ़ी सारे लेसेस की दुकान थे यहाँ पे, फैंसी लेसेस मिलते हैं, लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लेसेस वगैरह खरीदने आते हैं। ये गिफ्ट पैकिंग के लिए बहुत सारे आइटम्स गिफ्ट पैकिंग के लिए। स्वामीनारायण टेंपल, बहुत सारे टेंपल्स थे यहाँ पे, स्वामीनारायण थे, एक कृष्णा जी का भी टेंपल था, एक दुर्गा माता का टेंपल था, काफ़ी सारे टेंपल्स थे यही बिजी शॉपिंग स्ट्रीट के बीचों बीच। एक छोटा सा फूल मार्केट भी था, ऑलमोस्ट एंड, एक एंड पर पहुंच गए थे हम लोग। और एक ये फूल मार्केट है, फ्रेश फ्लावर्स है, रात का टाइम हो गया था फिर भी काफ़ी फ्रेश फ्लावर्स मिल रहे थे। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी कान का, वेरी नाइस शॉप, काफी सारी वैरायटी थी इनके पास। श्री कृष्णा ज्वेलर्स करके थे, उनकी शॉप थी पीछे और उन्होंने ऐसे आगे लटका रखे थे दियास। हमने यहाँ से इनके पास से काफ़ी सारे दिए लिए, वेरी कलरफुल एंड वेरी नाइस। ये जो मिट्टी के बने हुए थोड़े इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि उसके बीच में ऐसे क्रैक्स या ब्रेक्स जैसे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने ये कलरफुल वाले लेकिन काफ़ी सारे लिए इनके पास। खाने पीने की तो बहुत थी वहाँ पे सुविधा, पर हमने ये दो चीज़ें ट्राई करी, एक तो ये ऑरेंज मसाला डाल के, एंड एक्सीलेंट विद अ लॉट ऑफ मसाला ऑन टॉप, लाइक ए वाओ, लाइक अ वाओ। इधर आ जा, बस बस, इट्स रियली वेरी नाइस। And next to it is the really healthy stuff.
ले लिया ना वो भी अच्छा लगा। एंड मसाला खींचा पापड़ आपको हमारा मार्केट विजिट अच्छा लगा हो। वाइब वहाँ का वाज टोटली अनबिलीवेबल। हम लोग थे वहाँ पे ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक, पर भीड़ वैसे कि वैसा लग ही नहीं रहा था कि हम रात के 9:30 बजे मार्केट घूम रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा वाइब था वहाँ पे। आई थिंक दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मुंबई। हमको पता है कि सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग और मार्केट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे देयर इज अ क्रैकर मार्केट, अब्दुल रहमान स्ट्रीट है, क्रॉफर्ड मार्केट है, मनीष मार्केट है, वही एरिया में बहुत सारे धीरे धीरे करेंगे। मे बी सम विल बी आफ्टर दिवाली, दिवाली के टाइम में हम इतना ही कर पाएंगे, पर वी विल कीप आवर मार्केट सीरीज कंटिन्यूड एंड कीप शोइंग गेटिंग यू मोर डिटेल्स अबाउट ईच मार्केट एज वी गो। चलिए अगले वीडियो तक हमारे तरफ से बाय।